नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। प्रदेश में ठगों की सरकार, जनता को ठगने का कर रही है काम, आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। अनुराग ठाकुर को हटाने से प्रदेश के क्रिकेट विस्तार को लगेगा झटका, अनुराग ठाकुर को हटाए जाने पर बोले सांसद रामस्वरूप शर्मा। सुंदरनगर में सैनी फिलिंग स्टेशन में पूर्व मंत्री ठाकुर रूप सिंह ने कैशलेस प्रणाली का किया शुभारंभ, कहा कैशलेस सिस्टम लागू होने से खर्चे होने लगे हैं कम। और मंडी में गुरु पर्व पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गतका आवाजों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर सबको किया रोमांचित। प्रदेश में ठगों की सरकार चल रही है और जनता को झूठ बोलकर ठगा जा रहा है, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने टौणी देवी माता मंदिर परिसर में सुजानपुर भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पुरानी बमसन के टौणी देवी माता मंदिर परिसर में सुजानपुर भाजपा किसान मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे और जिसने पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया था वह अनाड़ी थे। वहीं सरकार का मंत्री कह रहा है कि पार्टी का मैनिफेस्टो पवित्र गीता की तरह है तथा उस पर सरकार को अमल करना होगा। उधर जो सरकार में कुछ भी नहीं है वह कह रहा है कि कांग्रेस सरकार ने पार्टी के मैनिफेस्टो की 70% मांगे पूरी कर ली है और बेरोजगारी भत्ता भी सरकार चल देगी। इससे प्रदेश की जनता खुद ही अंदाजा लगा सकती है कि प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है और किस प्रकार के लोगों को ठग रही है। 2012 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पन्ना नंबर 24 में स्पष्ट वायदा किया हुआ है कि 10+2 पास को 1,000 रुपये प्रतिमा और ग्रेजुएट और दिव्यांग को 1,500 रुपये प्रतिमा बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम 4 साल से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कितने लोगों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, अभी तक एक भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। ये इनका सबसे बड़ा वायदा था और नौजवान सब इससे नाराज़ हैं। 12 लाख के करीब लोग प्रदेश में बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी भत्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। इस चुनाव में अब वो इसका बदला लेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में चुनाव के दिनों में गलत लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया था, इसलिए गलत वायदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार से लबालब भरी हुई है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रामसु शर्मा का कहना है कि अनुराग ठाकुर द्वारा क्रिकेट के क्षेत्र में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और उनके अध्यक्ष पद से हटने से प्रदेश में क्रिकेट के हो रहे विस्तार को झटका लगेगा, ये बात उन्होंने मंडी में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही। सांसद रामसूर शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है और उनकी रहनुमाई में प्रदेश क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश क्रिकेट के क्षेत्र में बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला, जो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि राजनीति में होने के बाद भी उन्होंने क्रिकेट को पूरा समय दिया है और जो कार्य उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में किए हैं उन्हें आने वाले समय में हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए, अनुराग ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान क्रिकेट को हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाना और बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का जो उनका प्रयत्न था वो धरातल पर दिखने लगा था, तो बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनके योगदान को बढ़ाया नहीं जा सकता। आज भी क्रिकेट के प्रति उनका जो कार्य था राजनीतिक क्षेत्र पर, क्रिकेट के खिलाड़ी के रूप में वो सदा याद रहेगा। सांसद रामसूर शर्मा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार ने अरबों की योजनाओं की सौगात प्रदेश को दे रखी है, लेकिन प्रदेश सरकार इन योजनाओं का सही ढंग से संचालन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के विकास में अड़ंगा डालने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश जिसमें केंद्र से अरबों की
की योजनाओं को संचालित करने के लिए धनराशि मिली है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वीरभद्र सरकार कई तरह के व्यवधान डालकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, लोकहित योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में चलाने के लिए कोई सहयोग नहीं कर रही है। चाहे वो कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो केंद्र ने प्रदेश में शुरू कर रखे हैं उसको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रदेश सरकार दबाने का प्रयास कर रही है और योजनाओं का सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सांसद अनुराग ठाकुर के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने आज तक जो काम किए हैं उस पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं बल्कि संस्था के खिलाफ ये फैसला आया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि राजनीति करना उनका अधिकार है। उनको अधिकार है राजनीति करने का, क्योंकि वो और तो कुछ कर नहीं सके। सांसद महोदय ने जो कुछ प्रदेश के लिए किया है खेल के क्षेत्र में, प्रदेश और देश के लिए, उसमें यह प्रत्येक भारतवासी को गौरव है, गर्व है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए उनको ये लग रहा है BCCI का जो निर्णय आया है वो एक संस्था के खिलाफ है, और वो भी कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष होगा वो कभी एफिडेविट नहीं दे सकता कि जो सारी बॉडी ने फैसला करना है वो मैं ही करके ख़त्म कर दूंगा। संविधान के अनुसार 3/4 मेंबर 3/4 बहुमत के साथ BCCI का संविधान में कोई संशोधन किया जा सकता है, तो अकेले अध्यक्ष कैसे कर सकता जब कोई बाकी तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा उनकी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, BCCI की स्वायत्तता के लिए लड़ाई थी, ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई थी, और उसमें कोर्ट ने जो निर्णय किया वो स्वीकार है। जो और बनेंगे वो चलाएं, वो करें ऐसे कि इसको तोड़ के बना देंगे किस तरह करेंगे, वो निर्णय उनको करना है जो बनेंगे जिनको चला रहा है। हम तो क्रिकेट को फलता फूलता देखना चाहते हैं, खेलों का भविष्य उज्जवल हो, एक करे दूसरा करे जो भी करे उसका स्वागत होगा। पहले जेब से पैसे ज्यादा खर्च होते थे, लेकिन अब कैशलेस सिस्टम लागू होने से खर्चे कम होने लगे हैं और बचत ज्यादा हो रही है। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने सुंदरनगर में सैनी फिलिंग स्टेशन में कैशलेस प्रणाली का शुभारंभ करने के उपरांत कही। ठाकुर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा सुंदरनगर के सैनी फिलिंग स्टेशन में इस मुहिम का शिलान्यास करने के उपरांत भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि लेन देन कैशलेस होने से लोगों को ज्यादा फायदा होगा, अब जेब में पैसे लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। इस अवसर पर पेट्रोल पंप के मालिक एवं मुख्य समाजसेवी प्रेमलाल सैनी ने मुख्य अतिथि रूप सिंह ठाकुर का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। इस अवसर पर कॉरपोरेशन के SO संजय सिंधल ने मुख्य अतिथि का समारोह में आने पर अभिनंदन किया और अपने संबोधन में कहा कि देश में आज के दिन कॉरपोरेशन के सभी पेट्रोल पंप कैशलेस की सुविधा से लैस हो गए हैं। सभी पेट्रोल पंपों में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डेबिट क्रेडिट ATM से लेकर पेटीएम सिस्टम से भुगतान करने की मुहिम लॉन्च कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कैशलेस को बढ़ावा देना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस करता हूँ कि जब जेब में पैसा ज्यादा होता था तो हमारे खर्चे भी ज्यादा होते। जिस दिन से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस माननीय मोदी जी ने शुरू किया है, मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूँ और लोगों से भी ये सुना है कि हमारे खर्चे भी कम हो गए। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रेम सैनी, प्रधान परसराम, भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ अभिषेक ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मंडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जवाहर ठाकुर ने द्रंग से विधायक और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, राजस्व और विधि मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जवाहर ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह और उनके रिश्तेदार अवैध स्टोन क्रशर चला रहे हैं। ठाकुर ने मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध स्टोन क्रशर को जनरेटर के सहारे चला रहे हैं और अपने चहेतों को उसका लाभ दे रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कौल सिंह ठाकुर पर बीते 4 वर्षों में विधायक निधि को चहेतों को बांटने का आरोप भी लगाया है। जवाहर ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री से इसकी जानकारी भी सार्वजनिक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा इसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत लेकर लोगों को सच्चाई से अवगत करवाएगी। जवाहर ठाकुर ने कहा कि भाजपा का मानना है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भाजपा पर आरोप लगाकर मात्र जनता को भ्रमित करने का ही कार्य कर रहे हैं। क्रशर भी आपका
आपके रिलेशन के लोगों का जो अवैध तरीके से चल रहा है, जिसके उसकी परमिशन नहीं है और उसको जो जनरेटर द्वारा वहाँ चलाया जा रहा है, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि इन चार सालों में आपने रेत बजरी और कितने आपने विभागों बेची है, इसकी भी आपसे हम जानकारी जानना चाहते हैं। और विधायक नीति जो चार साल में आपने विधायक नीति बांटी है उसका भी है जनता को, आप जो आपने कहाँ पे आपने विधायक नीति बांटी है और किसकी जेबों में ये पैसा सारा गया हुआ, ये भी हम बहुत जल्दी हम आरटीआई के माध्यम से भी इसकी जानकारी लेंगे। और जिन विभागों ने कहीं गलत तरीके से किया तो वो भी इसके मेरे ख्याल सजा के वो होंगे। ज्वाला ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से मात्र उन लोगों को परेशानी हुई है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ज्वाला ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी से धन कुबेर नेताओं, ड्रग माफिया और अवैध रूप से धन कमाने वालों को नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय में आम लोगों को इसका अच्छा प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा। ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से देश के 90% लोग खुश है और देश के प्रधानमंत्री के साथ है। 8 नवंबर से 30 सितंबर तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा एक फैसला लिया गया था नोटबंदी का, और जिसमें अरबों रुपया जो वो इस देश में बैंकों में इकट्ठे हुआ है, और मैं समझता हूँ उस धन के इकट्ठे होने से आने वाले समय में हर वर्ग, गरीब है, किसान है, मजदूर है, सब लोगों को, बेरोजगार है, सबको इसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत अहम फैसला जो है आदरणीय मोदी जी ने लिया था, और इससे जो नुकसान जो हुआ वो राजनीति धन कुबेर लोगों को हुआ है, ड्रग माफिया को हुआ है, और अवैध तरीके से जिनके धंधे हैं उनको इसका नुकसान हुआ है। बाकी 90% जो जनता है इस देश की, उन्होंने सबने इसका समर्थन किया है और सभी लोगों ने इसकी तारीफ की है। उन्होंने मांग उठाई कि इन स्टोन क्रशरों से किन किन विभागों को और कितनी मात्रा में रेत और बजरी की सप्लाई की गई है, उसकी जानकारी मंत्री लोगों के बीच में सार्वजनिक करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। ससुर की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को मंडी पुलिस की विशेष टीम ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। गत रविवार को हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। आरोपी को बुधवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया। पंडोह में ससुर को कुल्हाड़ी से मारकर फरार आरोपी दामाद को पुलिस ने आधी रात को चंडीगढ़ से दबोच लिया है। एएसपी कुलभूषण वर्मा ने आरोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। उन्होंने वारदात के बाद मौके से फरार आरोपी को मात्र 40 घंटों में ही दबोच लेने वाली पंडोह चौकी की टीम की पीठ भी थपथपाई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मौके से भागे आरोपी का पीछा करते हुए एएसआई हेमराज की टीम चंडीगढ़ पहुंची और वहां से कोलकाता भागने की फिराक में बैठे आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी जितेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है। वहां से टीम उसे मंडी सदर थाना लाई और वहां सदर थाने के एसएचओ चेस सिंह भंगालिया ने आरोपी से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और देर शाम उससे मौके की शिनाख्त करवाई गई। 2 जनवरी को थाना सदर में एक मामला धारा 302 के तहत दर्ज हुआ था। पंडोह के पास में एनएच पे एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक कुमार है, उसका शरीर हालत में पाया गया। पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में लिया और आगे की तफ्तीश इसमें शुरू करी है।
मामले की छानबीन करने पाया गया कि अशोक कुमार जो मृतक है उसका मर्डर उसके दामाद जितेंद्र कुमार ने किया, जो सुंदरनगर का रहने वाला था। वो वहाँ पर एक दुकान करता था। जितेंद्र का अपने पत्नी के साथ कुछ पारिवारिक समस्या चल रही थी, उस वजह से उसने उसका अपने ससुर के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने तेजधार हथियार से उसकी हत्या कर दी। मामले की छानबीन सदर पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें पिछले कल रात को सदर पुलिस ने चंडीगढ़ से मुजरिम की गिरफ्तारी भी कर दी है, जो अपराध करने वाले वहाँ से स्पॉट से भाग गया था। इसमें मुजरिम को आज अरेस्ट किया गया, सुबह के टाइम अरेस्ट होकर कल माननीय अदालत में पेश किया गया। बता दें कि रविवार रात को NH 21 पर 3rd बटालियन पुलिस लाइनमैन गेट के नजदीक पंडो बाजार के दुकानदार अशोक कुमार की हत्या कर उसका दामाद जितेंद्र मौके से फरार हो गया था। SP प्रेम कुमार ठाकुर के आदेशानुसार आरोपी को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया गया और एक टीम आरोपी की मोबाइल लोकेशन के आधार पर दिल्ली की ओर रवाना की गयी थी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पड्डल मैदान में जर्नी फॉर ग्लोरी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 11 से 13 वर्ष और 14 से 17 वर्ष के लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। दौड़ का शुभारंभ सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किया। बुधवार को पड्डल मैदान में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जर्नी फॉर ग्लोरी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किया, जबकि हिमाचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सतीश कुमार चावला वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दौड़ में 11 से 13 वर्ष और 14 से 17 वर्ष के लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। दौड़ में मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति जिला के प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये दौड़ प्रतियोगिता 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की थी। युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो गेल के सहयोग से इन एक्टिविटी को चला रही है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज मंडी, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू खिलाड़ी ये छोटी काशी मंडी आए हैं, और जिस तरह नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये योजना है कि जो विभूतियाँ जो ऐसे छात्र खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनको प्रदर्शन करने में उनको सहयोग नहीं मिलता, उस कार्य में इनका योगदान मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम भी ऐसे आयोजनों से जिस तरह चाइना, अमेरिका के खिलाड़ी एथलीट्स में पहले दूसरे नंबर पर आते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत भी उस पंक्ति पर खड़ा होगा। और इसी निमित्त भारत के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी, पूरे देश में एक खिलाड़ियों के सहयोग के लिए, उनको तैयार करने के लिए दूरगामी योजनाएँ, बाल्यकाल से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, ऐसी योजना का शुभारंभ हुआ है। और आज छोटी काशी मंडी में इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं तमाम इसके आयोजकों को, उमेश जी जो डायरेक्टर हैं इस सोसाइटी के, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मंडी को चुना, यहाँ प्रतियोगिता हो, और आए हुए इन खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं बताई। बता दें कि बुधवार को देश के 100 स्थानों पर इस प्रकार की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। NYCS 2020 और 2014 के ओलंपिक गेम्स को लेकर पूरे देश में खिलाड़ियों को तैयार करने में जुटी है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पिछले 2 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे महिला मंडल को आखिर न्याय मिल ही गया। डिपो के संचालन के हक को लेकर बने लंबे गतिरोध के समाप्त होते ही एक बार फिर से सुंदरनगर परिषद के तुनाही वार्ड में आम जनता को राशन डिपो की सुविधा मिल गई। महिला मंडल द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन राजनेताओं को दरकिनार करते हुए 5 वर्षीय कन्या द्वारा करवाया गया। पिछले 2 वर्षों से राजनीति के शिकार हुए राशन डिपो की अलॉटमेंट व्यक्ति विशेष से महिला मंडल को हाल ही में सौंपी गई। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के उपरांत डिपो का संचालन मिलने पर महिला मंडल द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन राजनेताओं को दरकिनार करते हुए 5 वर्षीय कन्या मायरा द्वारा करवाया गया, लेकिन उद्घाटन अवसर पर राजनीति का प्रभाव साफ देखने को मिला। सुविधाओं का भी भारी अभाव देखने को मिला। स्थानीय लोगों की लंबी जद्दोजहद के बाद BBMB प्रबंधन ने तुनाही महिला मंडल के पदाधिकारियों को डिपो के लिए भवन की चाबियां तो दे दी, लेकिन बार बार मांग के बावजूद अभी तक ना तो पानी और ना ही बिजली की सुविधा प्रदान करवाई गई है, जिसके चलते संचालकों को डिपो का शुभारंभ मजबूरन आधी अधूरी सुविधाओं के साथ ही करना पड़ा। अंधेरे कमरों में दिए जलाकर रोशनी की गई थी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बिजली के अभाव में बंद ही पड़ा था।
इस बारे में जब तुनाही महिला मंडल की प्रधान नीलम पटियाल से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बीबीएमबी प्रबंधन के पास जरूरी दस्तावेज जमा करवाए गए हैं और कुछ और दस्तावेज मांगे गए हैं जिन्हें शीघ्र ही जमा करवाया जा रहा है। उन्होंने प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से तुरंत प्रभाव से बिजली पानी बहाल करने की मांग की है। मैं एसटीओ साहब ने चाबी तो हमें सौंप दी थी पर उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं है तो चाबी वापस देने के लिए उन्होंने कहा था, पर मेरी एक्शन साहब से गुजारिश है कि इस लाइट और पानी का प्रबंध कर दें, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट की कमी होगी उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। उधर सहायक अभियंता अजीत शर्मा का कहना है कि महिला मंडल द्वारा मांगे कुछ अन्य दस्तावेज जमा करवाए जाने पर बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान, यहां आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहां ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मरीजों को मंडी अस्पताल में उपचार के लिए लंबी कतारों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। मंडी अस्पताल को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेचौक के साथ जोड़ने से अब यहां पर भी मरीजों की सुविधा मिलेगी। मंडी अस्पताल को नेचौक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने से अब हर ओपीडी की संख्या बढ़ाई गई है। क्षेत्रीय अस्पताल में नेचौक मेडिकल कॉलेज की ओपीडी और प्रशिक्षु डॉक्टरों के प्रैक्टिकल होंगे। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में नेचौक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया आजकल जारी है। कई डॉक्टरों ने कार्यभार संभाल भी लिया है। वर्तमान समय में मंडी अस्पताल में मेडिसिन ओपीडी, गायनी ओपीडी, ऑर्थो ओपीडी और बाल रोग ओपीडी, नेत्र रोग ओपीडी, सामान्य ओपीडी, आपातकालीन ओपीडी, चरम रोग ओपीडी के बाहर लंबी कतारें प्रतिदिन देखने को मिलती है। लेकिन नेचौक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर व अन्य स्टाफ आने से अब सभी ओपीडी की संख्या 3 से 4 हो गई है, जिसके चलते अब मरीजों को जांच करवाने के लिए ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी की नई ओपीडी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा वार्ड की व्यवस्थाओं में सुधार कार्य जोरों पर है। कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि नेचौक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों व स्टाफ के लिए ओपीडी का निर्माण किया गया है। अधिकतर स्टाफ ने ज्वाइनिंग भी कर दी है। 95 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया जल्द ही अमल में लाई जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर टीसी महंत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को उपचार के लिए ज्यादा समय इंतजार नहीं करना होगा। मंडी अस्पताल को नेचौक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने से अब हर ओपीडी की संख्या बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।